आप उकसा रहे लोगों को, आप आत्मघाती। आप वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। लोगों को उकसावा कर रहे हो आप, वहीं रुक जाइए। कमलकांत जी उकसावा मत कीजिए, वहीं रुक जाइए, आप वहीं लोगों को उकसा रहे हैं आप। दो साथी टंकी पर चढ़े हुए, मैं उनको निर्देश दे दूंगा। अच्छा, दो साथी टंकी पर चढ़े हुए हैं, वो उन मैं बिल्कुल निर्देश दूंगा। बिल्कुल, आप आपने हमको वो देख लीजिए, आप उधर नजर डालिए, आप उधर देखिए। नहीं, उकसावा आप कर रहे हैं, जिम्मेदार आप है, आप जिम्मेदार होंगे, आपने चढ़ाया उनको। आरक्षण मंच की एक मीटिंग करना चाहते हैं, जिसका अवलोकन किया गया तो पता चला कि इन्होंने एसडीएम कार्यालय में कोई भी जो आवेदन देते हैं फॉर्मेट में, वो आवेदन नहीं दिया हुआ था। उसके बावजूद हमने रिपोर्ट ली और इसमें जो सरपंच हैं, लोकल सरपंच हैं, पंच हैं, उन्होंने सब ने लिखित में दिया कि हम लोग यहाँ पर मीटिंग नहीं चाहते हैं, हमारे यहाँ पर फसलें खड़ी हैं और जिस खसरा में वो अपनी मीटिंग करना चाहते थे उस खसरे में भी फसल खड़ी है और उसका जो 1/25 का मालिक है उससे उन्होंने परमिशन ली है। यानी कि जिसका 4% हिस्सा है वो आदमी प्रतिशत वो परमिशन दे रहा है और बाकी 96% जिसका हिस्सा है उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी है। तो इसके आधार पर इनकी परमिशन जो है वो खारिज कर दी गई थी और इनको कहा था कि प्रॉपर जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्मेट है, उसमें आप आवेदन करें। आज इन लोगों ने 144 होते हुए भी मिसचीफ किया और सुबह 6:30 ये आकर ये डूंगरी पर बैठने लगे। जैसे ही पुलिस प्रशासन को इनकी सूचना मिली, पुलिस और प्रशासन दोनों त्वरित तरीके से उठते हुए, इन्होंने सुबह ही 2 आदमियों को पानी की टंकी पर चढ़ा रखा था और जैसे ही पुलिस और प्रशासन इनसे बातचीत करने के लिए इनके पास गए तो ये शोर मचाने लग गए और उनको उकसाने लग गए कि आप लोग टंकी से कूद जाओ। तो मामले की गंभीरता को समझते हुए हमने सिविल डिफेंस और SDRF की टीम्स को बुलाया और उनकी मदद से जो आदमी चढ़े हुए थे टावर पे उनको उतारा गया और उनको सकुशल उतारने के बाद इनको वार्ता के लिए बुलाया गया, पर ये वार्ता करने के मूड में नहीं थे और ये आक्रामक हो रहे थे, तो फिर उनसे हमने जो है उनको हिरासत में लिया। उसके बाद से यहाँ से पुलिस का कब्जा है, अभी मौके पर शांति है और बाकी जो भीड़ आई थी वो जब उनको गिरफ्त में लिया तो बाकी लोग तितर बितर हो गए। सर, आगे क्या स्टैंड है? आगे अभी जो है उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बाकी जैसा होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। थैंक यू।